प्रिय छात्रों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड सेम के आपका एनवायरनमेंट का जो पहला लेसन है पर्यावरण अध्ययन में परिभाषा कार्य क्षेत्र और महत्व। ये चार चार लेसन प्रत्येक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल में, इस प्रकार 12 लेसन टोटल है। तो चार पहले चार लेसन आपके जो है वो फर्स्ट ईयर के हैं। तो ये पहला लेसन आपका पर्यावरण अध्ययन एवं परिभाषा कार्य क्षेत्र में, तो इसको बहुत ही डीपली साथ हम पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये आपके भी फर्स्ट ईयर का जो आज सभी यूनिवर्सिटी में जो एनवायरमेंट का पेपर है वो क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, ताकि एक प्रत्येक विद्यार्थी का एकर क्या है पर्यावरण को सुरक्षित साफ सुथरा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाए। पर्यावरण के प्रति प्रत्येक विद्यार्थी बहुत जागरूक हो, इसलिए सरकार ने ये सिलेबस जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में कंपलसरी कर दिया है। तो इसको आप कोई थोपा हुआ कानून न माने और आप इसको बड़े ही चाव के साथ पढ़ें तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि पर्यावरण के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा देर का इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि मनुष्य के उद्भव जब से हुआ था, मनुष्य का उद्भव तब से भी प्रकृति सभी वस्तुएं उसे उपलब्ध कराती आ रही है। यानी कि जो प्रकृति है ना, मनुष्य जिस प्रकार हम देखते हैं कि आदि मानव था वो जंगलों में रहता था और फल फूल खा करके क्या है वो वहीं पर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता था, पेड़ों पर सो जाता था और धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा। तो इस प्रकार जो जब से मनुष्य का धरती पर उद्भव होता है, जन्म होता है, उसके साथ ही प्रकृति क्या उसका एक माँ की तरह पालन पोषण करती है। और आज उस प्रकृति का जो मानव है वो नष्ट करता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो कितना दूषित हो रहा है। हम देखते हैं कि प्राय जो शहरों का जो बात पर्यावरण है, पर्यावरण देखिएगा दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है प्राकृतिक इन्वायरमेंट जिसके अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी प्रकार के आते हैं। एक होता है सामाजिक वातावरण या पर्यावरण। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका समाज कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, वो सब भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आप देखेंगे आपके जो आस पड़ोस के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं वो आपका सामाजिक पर्यावरण है, आपका जो वातावरण है। और हर एक विद्यार्थी का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग क्या होता है एक सामाजिक वातावरण होता है। कोई कहीं से होता है, किसी का परिवार की कंडीशन किसी प्रकार की होती है, अलग अलग होती है। तो ये सामाजिक पर्यावरण है, वातावरण जो है वो किस में आ जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर ही आ जाता है। और अगर आपका पर्यावरण स्वच्छ होगा तो आप क्या है अच्छा जीवन जी सकेंगे। जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं, जिस टाइम आप पढ़ते हैं अगर उस टाइम अगर आपके सामने कोई टीवी चला रहा है या फिर कहीं गाना बज रहा है या कोई मान लीजिएगा आसपास कोई आग जला रखी है जिसके कारण धुआं रहा है, तो आप क्या है परेशान हो रहे हो। तो आप परेशान हो रहे हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और तो इस प्रकार जो पर्यावरण केंद्र हुई कोई भी जो गतिविधि है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। खासकर अगर हम देखें कि सामाजिक वातावरण में, हमारे सामाजिक जो वातावरण है कि लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका जो पड़ोसी आप देखेंगे वो क्या कर रहा है। तो जो भी आपका सामाजिक वातावरण है या प्राकृतिक वातावरण है उसके अंदर कोई भी जो गतिविधियाँ होती है वो मनुष्य को अवश्य अवश्य प्रभावित करती है। और यही इस सिलेबस के अंदर है कि पर्यावरण क्या है, सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार का, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो वातावरण है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति अरण्य संस्कृति, तपोवन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती रही। हमारे वैदिक ऋषि ने वायु, जल, अग्नि, पेड़ पौधे आदि देवी देवता के रूप में बताकर हमें उन्हें संरक्षण की प्रेरणा दी है। यानी कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो वहाँ क्या है बैल की पूजा की जाती थी, बैल को एक देवता माना जाता था। और इसी प्रकार है पीपल की बड़ की पूजा भी की जाती थी। तो अलग अलग पेड़ पौधों की क्या है वहाँ पूजा की जाती थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या है प्रकृति किस प्रकार क्या है जीव जंतुओं को जो मारने से, अवैध शिकार से बचाया जा सकता था। तो काफ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी अवेयरनेस थे इन चीज़ों के प्रति। लेकिन आज की जो सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, अपनी जीवन शैली में व्यस्त है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें पर्यावरण की ओर ध्यान देना। और आगे हम पढ़ते हैं कि
भूमि जल वायु आदि में संतुलन का महत्व हमारे ग्रंथों में बखूबी मिलता है और पर्यावरण में असंतुलन से मानव अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी अगर पर्यावरण में बदलाव आता है तो उसका मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि पर्यावरण है वो मनुष्य पर प्रभाव डालता है और मनुष्य भी क्या है पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। यानी कि नवनिश्चयवाद और संभववाद जैसी जो संभावनाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने दी है। प्राकृतिकवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, इनके अनुसार भी हम अगर देखें, अगर जो भी स्टूडेंट होगा आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो प्रकृतिवाद और नवनिश्चयवाद और निश्चयवाद, ये जो धारणाएं दी गई हैं वो इसी पर्यावरण से रिलेटेड है। जहाँ प्रकृतिवाद के अंदर अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि जो पर्यावरण है वो सब कुछ है, उसके सामने मानव क्या तुच्छ है। और संभववाद कि अगर हम बात करें तो वो ये धारणा कहता है कि मनुष्य क्या है सर्वशक्तिमान है, वो पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल सकता है। तो ये सब संभावनाएं वो भी पर्यावरण को लेकर विद्वानों ने दी थी। और आगे हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वो किससे बना है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो हमेली दो शब्दों के मेल से बना है। वो देखते हैं परि आवरण, यानी कि परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है यानी कि ढकना। पर्यावरण से अभिप्राय सब कुछ हमें चारों से ढकता है। यानी कि पर्यावरण हम देखते हैं कि आपके आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, किन प्रकार के जीव जंतु है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, ये सभी जो आपके आसपास है वो क्या है पर्यावरण है आपका। देखिएगा आपके स्कूल का जो पर्यावरण है, वातावरण है, माहौल जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है वो हमें चारों ओर से ढकता है। उसके अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी जो आपके आसपास की चीज़ें वो आ जाती हैं। आगे हम देखते हैं पर्यावरण शब्द बहुत व्यापक है और इसमें न केवल प्राकृतिक संसाधन अपूर्त सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक परिवेशों का समावेश है। इस शब्द किसी भी परिभाषा में बांधना काफ़ी कठिन है और इसके लिए एक स्वरूप के अनुरूप ही इसकी विभिन्न परिभाषाएँ क्या है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएँ हैं वो निम्नलिखित हैं। तो इन परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि अलग अलग जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। उन समस्त बाह्य परिस्थितियों का योग पर्यावरण कहलाता है जो एक जीवन का विकास को प्रभावित करता है। यानी कि एक जीव के जीवन को विकास को क्या है वो प्रभावित करेगा, तो वो पर्यावरण है। जैविक व अजैविक इकाइयों को सम्मिलित करने वाली समस्त परिस्थितियाँ का समन्वय है। यानी कि जैविक, यानी कि जो व्यक्ति जीवित है, अजैविक जो मृत है, जो चीज़ें उनको सभी का मिला जुला क्या रूप है वो मिलकर क्या बनाता है परिस्थिति का समन्वय। दोनों में समा यानी हम देखते हैं कि इस धरती पर जो जैविक यानी कि जीवित है और निर्जीव प्राणियों, निर्जीव जो वस्तुएँ हैं उनके बीच क्या है कॉम्बिनेशन है, तो वही क्या मिलकर बनाता है पर्यावरण बनाता है। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव व प्राकृतिक संसाधन उनके पारस्परिक संबंध सम्मिलित हैं। तो ये सब इसके अंदर पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग जो परिभाषाएं हैं वो विद्वानों द्वारा दी गई है और एक दो परिभाषा आप इनमें से थोड़ी सी याद कर लें और बाकी अपने तरीके से भी आप परिभाषा जो वैज्ञानिक ढंग से लिख सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं आगे जो पार्ट है जो पर्यावरण के जो संरचना है वो किस प्रकार हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। अजैविक क्या होता है जो मृत हैं, जो जिनमें कोई भी क्या है किसी प्रकार की गति नहीं होती। मृत किसे माना जाता है जिस प्रकार में कोई किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, वो बिल्कुल निर्जीव होते हैं, वो अब स्वयं से गति नहीं कर सकते, वो दूसरे बल, दूसरे द्वारा दिए गए बल पर ही क्या गति कर सकते हैं। तो इसके अंदर वायु है, जल है, प्रकाश है, ताप है, मृदा है, मिट्टी है, ये सभी क्या निर्जीव वस्तुएं हैं। आपकी पुस्तक है, आपकी मेज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन है, ये और एग्जांपल हम अजैविक पदार्थों के हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये सब क्या है पर्यावरण के जो घटक हैं दो महत्वपूर्ण, जैविक और अजैविक। तो इस प्रकार ये अजैविक घटक है और जैविक पर्यावरण के सजीव घटक है। इनमें वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवधारी शामिल है। यानी कि जो जीव जंतु क्या सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, ठीक है, जो क्या सुख दुख को महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है जीवित के अंदर आ जाते हैं। इनके जिनके अंदर जीवन है, जिनका जन्म हुआ है, वो बनाए नहीं गए, उनका जन्म हुआ है किसी ना किसी प्रकार से। और आगे हम देख लेते हैं कि जो जीवमंडल क्या है, जीवमंडल के हम बारे में हम बात कर लेते हैं। जीवमंडल आखिरकार क्या है, तो जीवमंडल जो है बायोस्फीयर, इसके अंदर आपका क्या है सभी मंडल मिलकर क्या है जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ये देख सकते हैं कि
आप जो वायु है और वायुमंडल है, भूमंडल है और जलमंडल है, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, जैवमंडल बनाएंगे, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन जो मिल जाएगा उसे जैवमंडल कहेंगे। तो ये देखा है कि जैवमंडल पर्यावरण की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि ये पर्यावरण की बहुत बड़ी इकाई है और यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिसमें जीवन संभव है के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जहाँ जीवन संभव है। हम देखते हैं कि जैवमंडल में सभी प्राणी आ जाते हैं, तो जैवमंडल वही पार्ट है जहाँ के जानवर जीवित हैं। बायोस्फीयर शब्द का गठन वैज्ञानिक रूप से वाल्दिमीर वर्नडस्की ने 1929 में किया था, और जैवमंडल की तीन भागों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये दिखा रखा है कि आपका जो वायुमंडल सबसे पहले आता है, वायुमंडल क्या है, वो जो हमें चारों ओर से ऊपर घेरे हुए है, वायुमंडल है। तो पृथ्वी पर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ वायुमंडल पाया जाता है, अन्य ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल तो है लेकिन वहाँ जो ऑक्सीजन है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, या जो गैसों का जो लिमिटेशन होना चाहिए, वो जो परसेंटेज है वो समान नहीं है। और वायुमंडल अगर हमारी पृथ्वी पर है तभी तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, और जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, टिका हुआ है इस पृथ्वी पर। और अन्य ग्रहों पर यही वायुमंडल नहीं होने के कारण तो हम देखते हैं कि चांद पर पानी तो पाया गया है लेकिन वहाँ के वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अन्य प्रकार की जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैसें पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर क्या ऑक्सीजन है जिसके कारण जो सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पनप पाए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जल के अंदर भी जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है जिसका यूज करके जो जानवर है वो जीवित रहते हैं जल में। और आगे हम देखते हैं कि जो माना है ये क्या है, विभिन्न विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और जिसमें CO2, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल वाष्प प्रमुख है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर तक फैला है हुआ है जिसमें वायुमंडल की 95% गैसें पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि पृथ्वी की अगर 95% जो गैसें हैं अगर हम बात कर लें वो कितनी ऊंचाई पर, 20 किलोमीटर ऊंचाई तक है पृथ्वी की, पृथ्वी होगी मान लीजिएगा, उसकी 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ही क्या है जो आपकी गैसें पाई जाती हैं, और बाकी 5% की जो गैस बच गई वो 280 किलोमीटर, यानी कि 280 किलोमीटर पृथ्वी से अगर और हम ऊँचे चले जाएँ तो उसके बाद जो पार्ट बच गया वहाँ ये क्या है 5% गैसें पाई जाती है। और जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं तो वायुमंडल है वो क्या है धीरे धीरे क्या होता है महीन होता जाता है, जो वायुमंडल कम होता जाता है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडल कहाँ ख़त्म हो जाता है और कहाँ अंतरिक्ष शुरू हो जाता है इस बात का कोई पता नहीं चलता, कब वायुमंडल ख़त्म हो गया, कब अंतरिक्ष स्टार्ट हो गया, इसकी कोई एक सीमा नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि गैस नाइट्रोजन अलग अलग ये मात्रा आपको दिखा रखी है, ये आप थोड़ा देख लें, अलग अलग परसेंटेज है। जिस प्रकार नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद में जो ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अलग अलग जो गैसें हैं वो क्या पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और आगे हम देख लेते हैं जो समतापमंडल वायुमंडल की जो संरचना बता रखी है, इसके अंदर समतापमंडल, सौरमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, ये तीन मंडल होती हैं। तो इसी क्रम में आपको लिखने हैं, सबसे पहले क्या होता है सौरमंडल होता है, सबसे पहले सौरमंडल आएगा, उसके बाद में क्या हो गया समतापमंडल आएगा, और उसके बाद में मध्यमंडल और आयनमंडल आएगा। इस प्रकार ये क्रम में थोड़ा सा नहीं लिख रखा, सबसे पहले सौरमंडल आएगा धरातल के पास जो होता है सौरमंडल है, उसके बाद में आपका मध्यमंडल समतापमंडल, फिर मध्यमंडल आयनमंडल, इस प्रकार आपके चारों मंडल मिलकर के हैं जो आपके वायुमंडल का निर्माण करते हैं। और समतामंडल की अगर हम बात, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सौरमंडल है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसके प्रतिरक्षा ओजोन की परत सम्मिलित है, और जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है ये, तो इसके अंदर पाई जाती है। और आगे हम देखते हैं कि जो मध्यमंडल है 90 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, आयनमंडल है वो 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी कि पृथ्वी से अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह से ये तो इस प्रकार से जो ऊंचाई पर हम बात करें तो ये कितने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इस प्रकार अलग अलग जो आप देख सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं, ये आपको संरचना दिखा रखी है, समतामंडल, सौरमंडल, अलग अलग जो संरचनाएं दिखा रखी है। और आगे हम देख लेते हैं तो ऊंचाई के अनुसार कहाँ कहाँ कौन सा मंडल पाया जाता है, मंडल, सौरमंडल, समतामंडल, ये थोड़ा सा इसके अंदर गलत दे रखा है, सौरमंडल सबसे पहले आएगा, सौरमंडल क्या है सौरमंडल नीचे आएगा और उसके बाद में समतामंडल ऊपर आएगा। और
आगे हम देखते हैं भूमंडल। तो भूमंडल जो पृथ्वी का पृथ्वी है उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार है, आप ज्योग्राफी स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा, चलो नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। धरती की ठोस परत है और उसमें महाद्वीपीय सागरीय परतें सम्मिलित है, और प्रॉपर्टी जो ऊपरी प्रॉपर्टी इस प्रकार बांटा गया है, ऊपर का जो क्रस्ट पार्ट है ऊपरी मेंटल निचला मेंटल बाहरी केंद्र आंतरिक केंद्र, तो इस प्रकार अलग अलग ऊंचाई है। जो गहराई है सबसे पहले 200 किलोमीटर, उसके बाद में 600 किलोमीटर तक, फिर 2850 किलोमीटर तक, और 5144 किलोमीटर तक, इस प्रकार ये दिखा रखी है आपकी जो अलग अलग संरचना है। तो सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर ऊपरा मेंटल, फिर केंद्र बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र, इस प्रकार जो संरचना है आप डायग्राम बना कर के आइएगा ये, और ये आपको दिखा रखे हैं। आगे हम देखते हैं जलमंडल। आगे हम देख लेते हैं जो जलमंडल के बारे में, तो जल इसमें पृथ्वी के पर व्यापक जल है और ज़्यादातर पानी सागरों में है संग्रहित है, और बाकी पानी झीलों नदियों में है, भूजल बर्फ ग्लेशियर की लंबी आदि में है। हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी पर लगभग जो क्या है 70% जो क्या है पानी है, 70% पानी है, 70% पानी है, लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो 4% ही जो क्या है पीने योग्य पानी है, 4% ही, क्योंकि समुद्रों का पानी बुखारा है और आज जल प्रदूषण के कारण जो है पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। और ये हम देख सकते हैं दिखा रखा है, 97% से पानी खारा है और 3 सिर्फ ताज़ा पानी है। और आगे हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन क्या है और इसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, इसको हम देख लेते हैं। तो आज के पर्यावरण मुद्दे बड़े जटिल है, और अगर समाज की सतत विकास की ओर अग्रसर होना है तो विभिन्न मुद्दों जैसे जनसंख्या विस्फोट है, पुनर्स्थापन है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन है, जड़ से खत्म करना होगा। हम देखते हैं कि आज का जो पर्यावरण है वो मुद्दा बहुत विशेष महत्व, सतत विकास क्या होता है कि मनुष्य है जो आज हम देखते हैं जिसका कोयला पेट्रोलियम है इसका अंधाधुंध मनुष्य प्रयोग कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या है ये कोयला पेट्रोलियम क्या है धरती के नीचे समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बचे नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उनका सही तरीके से उपयोग करे, कोयला पेट्रोलियम की जगह कोई अन्य ऊर्जा के स्रोतों का यूज़ करे ताकि ये लंबे समय तक बचे रहें। लेकिन इसका मतलब सतत विकास का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनका बिल्कुल ही प्रयोग न करें, उनको सड़ने गलने दें, आप उनका यूज़ करें लेकिन इस प्रकार यूज़ करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे, उनका प्रयोग न करें। ये सतत आज जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसी प्रकार है काम आते हैं जिस प्रकार के पुराने टाइम में जो बचाए वो पैसा है वो भविष्य में काम आता है, तो इसी प्रकार जो है आपके जो प्राकृतिक संसाधन है वो मनुष्य के लिए काम आएंगे। और हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि एकदम जनसंख्या का वृद्धि होना, अगर जितने जनसंख्या है अगर उतने संसाधन उपलब्ध है तो हम जनसंख्या विस्फोट नहीं कहेंगे, लेकिन संसाधन कम है जनसंख्या ज़्यादा है तो वो उसे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। पुनर्स्थापन है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मनुष्य जो कर रहा है वो क्या ठीक है। इसलिए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसी उद्देश्य के लिए शिक्षित करना ताकि वे वर्तमान व भविष्य की पर्यावरण संबंधी योजनाओं को समझ सकें। और इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही कराना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगले 2-3 पार्ट करके मैं इस वीडियो को जो है वो आपके लेसन को धीरे धीरे करके 4 लेसन मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और दूसरे इसके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और वो वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।